आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। और चलिए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें गोंडा से ये बड़ी खबर, सपा चेयरपर्सन समेत 306 अज्ञात लोगों, सोशल मीडिया पर सपा चेयरपर्सन ने किया था आपत्तिजनक पोस्ट। पोस्ट के खिलाफ परसपुर थाने का लोगों ने किया था घेराव। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे डीएम, एसपी और एसडीएम। बड़ी जानकारी मिल रही है गोंडा से, पोस्ट के खिलाफ परसपुर थाने का लोगों ने घेराव किया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जुड़ गए। संजीव, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? इसमें सरकार और प्रशासन किसी तरीके की कोताही नहीं बरतना चाहता, यही वजह है कि गोंडा के समाजवादी पार्टी के चेयरमैन समेत 306 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। जब सपा चेयरमैन ने सोशल मीडिया पर यह आपत्तिजनक पोस्ट किया था, उसके खिलाफ परसपुर थाने में सैकड़ों लोगों ने उसके खिलाफ घेराव किया था। और मौके पर सूचना मिलने के बाद डीएम और एसपी और एसडीएम पहुंचे थे। आप धारा 147, 48, 323, 506, 504, आईपीसी और आईटी एक्ट की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्दी गिरफ्तारी करने की बात जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल खराब हुआ है उसमें लोगों को सरकार का प्रशासन का साथ देना चाहिए, ना कि माहौल खराब करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं प्रशासन को कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देखिए सहारनपुर में लोगों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार और प्रशासन की कार्रवाई है इससे लोगों में थोड़ा सा इस पुलिस का इकबाल बुलंद होगा, सरकार का इकबाल बुलंद होगा। और जिस तरीके का माहौल खराब हुआ है उसमें जरूर कुछ ना कुछ डैमेज कंट्रोल करने की बात की जाएगी। दीपाली, और किसी की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में अभी तक? देखिए दीपाली, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, हालांकि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब गिरफ्तारियां शुरू होंगी, जो वीडियोग्राफी है, जो फोटोग्राफ सामने आए हैं उससे लोगों की पहचान की जाएगी, क्योंकि 300 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा है। पहचान करना अपने आप में बड़ा सवाल है, तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी से उन लोगों की पहचान की जाएगी और सपा के जो चेयरमैन है उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें तेज हो गई है। दीपाली, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव कपासिया इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया ने भी जानकारी दी है कि वीडियोग्राफी और ऑडियोग्राफी के माध्यम से ये गिरफ्तारी पहचान जो है आरोपियों की जाएगी और उसके बाद ही कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।